अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। जोशी पर है कि एक के बाद एक नेता यहाँ पर आ रहे हैं। अखिलेश यादव सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो वहीं पर जन अधिकार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा और यहाँ पर बीजेपी के और एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आ रहे हैं। उनके लिए यहाँ पर पंडाल सज रहा है। आप देख रहे हैं जिस तरह से कुर्सियां और भीड़ दिखाई दे रही है। उनके आने का समय 2:30 बजे बताया जा रहा है। जब हमने इस पर लोगों से बातचीत की कि उन्होंने 15 सालों में सबसे अच्छा काम क्या किया, तो उनको बहुत सोचना पड़ रहा है इसके बारे में। और अगर व्यक्तिगत की बात करें तो वो बिल्कुल भी कहने के लिए तैयार नहीं है, उनको याद नहीं है या उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं है कि उनके लिए मुख्यमंत्री ने आखिरकार क्या किया। आज यहाँ पर क्या देखने आए हैं? शिवराज सिंह का देखने आए। क्या सुनाने आए हैं उनसे? उनसे ये मतलब कुछ कर नहीं रहे, वोट भर मांगने के लिए विधायक कहीं को संसद भेज रहे हैं और एक भी हमारा काम नहीं गरीबों को कर रहे हैं। कहे के लिए आए इसलिए यहाँ पर कहे बैठी हुई है। अभी अपने देख में समाचार सुन में बेटा वो कहा है हम किसके समाचार सुन रहे हैं? सुन रहे अब जो लगो कमाल कौन आ रहा है? शिवराज सिंह। 15 सालों से यहाँ पर आपके सीएम है जो यहाँ पर मौजूदा जगह पे आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे रोजगार? नहीं, 5 साल में एक बार आना पड़ता है, उन्हें चुनाव में आ जाता है। कहने न कहने से कुछ नहीं होता, वो आगे यहाँ घोषणाएं कर जाएंगे और बस चले जाएंगे। सामने आपके सीएम आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? सीएम का कार्यकाल तो अच्छा रहा है क्योंकि सीएम 100 काम अच्छे करते हैं। अगर एक काम गड़बड़ कर देते हैं तो जनता बताने लगती है कि उन्होंने ये किया वो किया, अच्छा नहीं देखते हैं। पहले के कांग्रेस के समय का जो विकास था और आज के विकास में कितना अंतर है ये जनता को दिखाई देना चाहिए। हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान अच्छे हैं, वो अच्छे थे वो अच्छे ही रहेंगे और इनकी भी आगे सरकार बनना ही चाहिए। अच्छा, 15 सालों से लगातार सीएम शिवराज सिंह जी हैं, सबसे अच्छा काम आपके लिए कौन सा लगा? सबसे अच्छा काम यहाँ की रोड, लाइट, पानी की व्यवस्था, ये सारी चीजें पहले की अपेक्षा 15 साल में आज की अपेक्षा बहुत अच्छी रही है। पहले तो रोड की वजह से और लाइट की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन अब इस समय इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। हम तो चाहेंगे कि आगे भी हमारे शिवराज सिंह चौहान जी विजयी बने, भारी मतों से उन्हीं की सरकार बने। और मान लीजिए आ गए तो क्या आप उम्मीद करेंगे उनसे? उम्मीद करेंगे कि आगे जो हमारे भविष्य बच्चों का है उनके लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे भी हमें लगता है बहुत अच्छा ही करेंगे।